प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने चेत्री चंद्र महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की। राजनांदगांव में विश्व श्रवण दिवस सप्ताह पर निकाली गई जागरूकता रैली। और मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत दुर्ग में युवाओं के अनूठे अंदाज में लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है। नई मेट्रो लाइन को हावड़ा मैदान असलाना नेड खंड के नाम से जाना जाएगा। ये नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग है। ये सुरंग कोलकाता और हावड़ा शहरों के बीच बह रही हुंगली नदी के नीचे बनाई गई है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन नई लाइन का हिस्सा है, जो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि भारत में महिलाएं शक्ति का प्रतीक है। उनकी सरकार ने हमेशा महिलाओं के सम्मान में मातृवंदन योजना की शुरुआत अभी की है। शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह की दीदियां आर्थिक रूप से सक्षम बनने के साथ ही गांवों की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल में आयोजित लाइव संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाएं भी वर्चुअली शामिल हुई। भिलाई के वैशाली नगर पालिक निगम द्वारा भी विभिन्न समूहों की महिलाओं को वर्चुअली मुख्य समारोह से जुड़ने की व्यवस्था की गई थी। समारोह में शामिल होने आई महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उन्हें काफी संबल मिल रहा है।
मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी, तो मैडम ने मुझे स्वर्णिम योजना के जो लाभ है उनके बारे में मुझे बताया है। मैं वहाँ से 10,000 का लोन उठाई हूँ। उस लोन के तहत मैंने एक छोटा सा रेडीमेड गारमेंट का धंधा शुरू की हूँ और आज मैं उसी योजना के तहत 5,000 का लोन लेके मैं अपनी उस काम को थोड़ा सा बढ़ा चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है आगे चल के उस काम को मैं और आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बीच बीच में मुझे हमारी सीओ मालती राजपूत मैडम जी हमको मार्गदर्शन करते रहती है और इस काम से मेरे घर की जो आर्थिक परिस्थिति है बहुत अच्छा हो गया है। स्व सहायता समूह से जुड़ी हूँ, 8 साल हो गई हैं और जैसे लोन की जरूरत होती मिल जाती है, बच्चे का फीस पटाना और कुछ, और मैं रेडीमेड दुकान वही 30,000 ली हूँ लोन, छोटा मोटा दुकान चला रही हूँ और साथ में सिलाई का काम भी करती हूँ, उससे फायदा भी हुआ है और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की प्रबंधक नलिनी तलरेजा ने कहा कि संवाद कार्यक्रम में शामिल होने लाभार्थी बहनें आई हैं। इन सभी को स्वनिधि योजना और अन्य केंद्रीय योजनाओं के जरिए आर्थिक लाभ मिला है। नारी बंधन शक्ति बंधन प्रोग्राम में हमने सभी स्व सहायता महिलाओं समूह की महिलाओं को बुलाया है। इसमें से ये हमारे साथ जो जुड़ी हैं ये हमारे लाभार्थी महिलाएं हैं। इन्होंने किसी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो कि स्पेशली मैं देखती हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे हितग्राहियों को लाभार्थी वेंडर्स को करीब 18 से 20 हज़ार वेंडर्स को मैंने लोन दिलवाया है और भिलाई की उसमें रैंकिंग छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप पे रही है। किसी ने इसमें आरएफ के माध्यम से समूह के माध्यम से लाभ लिया है तो किसी ने आवास योजना के माध्यम से लाभ लिया है। ये सब हमारे लाभार्थी महिलाएं हैं और इस प्रोग्राम को से इनका बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण होता है और ये लोग बहुत अच्छे, आज इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आर्थिक स्तर इनका बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। ये स्टेप के लिए हमको धन्यवाद देती हैं और जब भी हम बुलाते हैं ये बहुत खुशी खुशी से शक्तिवंदन कार्यक्रम में मोदी जी से भेंट मुलाकात करने के लिए आती है। महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण के लिए शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के अन्य जिलों की महिलाएं भी वर्चुअली शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज में चेटरी चंद्र महोत्सव समिति रायपुर और संपूर्ण सिंधी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चेटरी चंद्र महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की। छुट्टी एक दिन का घोषित करने के लिए आपने आग्रह किया, आपके समाज ने आग्रह किया है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते एक दिवसीय चेटरी चंद महोत्सव के लिए अवकाश घोषित करता हूँ। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन का सबसे ज्यादा दंश सिंधी समाज ने ही झेला है। देश को आगे बढ़ाने में सिंधी समाज का बहुमूल्य योगदान है। चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राष्ट्रभक्ति की बात हो, उस सिंधी समाज हमेशा अग्रणी रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू ए नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर में नवीन आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस विभाग तथा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के तहत नवीन कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन कानून राज्य के कानूनी परिदृश्य में मील का पत्थर साबित होगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना कानूनी प्रणाली को मजबूत करने और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीन आपराधिक कानूनों की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ के नागरिकों को त्वरित और समुचित न्याय प्रदान करने संकल्पित है। हमारी नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ये भारतीय न्याय प्रणाली का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और देश में नए अध्याय की शुरुआत होती है। जहां अंग्रेजों के कानून में दंड पर जोर दिया गया है, वहीं देश के नवीन कानून न्याय की बात भी करता है। इन दिनों देश में 4 मार्च से 10 मार्च तक विश्व श्रवण दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के CRC सेंटर में विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने शहर में रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में श्रवण बाधित सुनने में होने वाली समस्या की रोकथाम और निदान के बारे में जागरूक किया गया। CRC सेंटर के डायरेक्टर स्मिता महोबिया ने बताया कि विश्व श्रवण दिवस के मौके पर सेंटर द्वारा विविध आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों जिन्हों को सुनने में परेशानी हो रही है, उनके जांच और उपचार की व्यवस्था की गई है। विश्व श्रवण दिवस के उपलक्ष में CRC राजनांदगांव और जिला चिकित्सालय में संचालित नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस NPCD प्रोग्राम के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि रैली का कार्यक्रम किया गया है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों द्वारा ड्राइंग कंपटीशन रखवाया गया है, हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन बच्चों द्वारा केक कटिंग कराया गया है और आवश्यक लोगों को हियरिंग डिवाइसेस यहां बांटे गए हैं। साथ ही सुनाई की परेशानी, सुनाई की जांच और उसके उपचार के संबंध में जानकारियां भी दी गई हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय अधिकारिता और न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित CRC सेंटर दिव्यांगों के पुनर्वास और उत्थान के लिए काम करती है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत भिलाई में भी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में युवाओं द्वारा होली पर्व को देखते हुए फाग गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महाविद्यालय की प्राचार्य हंसा शुक्ला ने भी विशेष रूप से मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग होली का पर्व मनाते हैं, उसी तरह मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भी सहभागी बने। से था कि अभी बस हमारा सबसे बड़ा उत्सव फाग उत्सव आ रहा है, तो लोग जितने धूमधाम से, जितने उल्लास से होली को मनाते हैं, उतने ही उल्लास से वो वोट देने जरूर जाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हम सरकार की बात करते हैं, हम अपनी नेताओं को दोष देते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना होगा, अपने कर्तव्य को निभाना होगा, जिससे हम सही व्यक्ति को चुने और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ ही अध्यापक भी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने चेटरी चंद्र महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की। राजनांदगांव में विश्व श्रवण दिवस सप्ताह पर निकाली गई जागरूकता रैली। और मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत दुर्ग में युवाओं ने अनूठे अंदाज में लोगों को किया जागरूक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।